गुरु नानक पातशाह तो लेकर के दसम पातशाह तक दस जोतों के सानू ये चीज़ गुड़ती च मिली है। ये मोर्चा जड़ा ना ये साढ़े सुभा का हिस्सा है इंसाफ लेना। असी जनवरी तो वक् वक् चीज़ा जड़िया इतने किसी भी चीज़ की फाइनैशली या होर के चीज़ सपोर्ट कर रहे दे रहे हैं। ये साड़ी सोसायटी इंटरनेशनल बेगोपरा सोसायटी जी फ्रांस जी ना वो साढ़े मित्र प्यारे है जिन्होंने बनाई है सोसायटी, उन्होंने साड़ी सेवा लाई थी भी अं सेवा इतने पहुँचा रहे हैं। तो जिहड़ियां ये मुश्किलां ने औकड़ां ने साढ़े सामने कुछ भी नहीं हैगियां। साढ़े सामने हिमालय पर्वत वर्गी चट्टान वर्गी मुश्किलां भी आ जाणा तो ता भी असी पर्बत के छेक बनाना जानते हैं। कौमी इंसाफ मोर्चा जिन्हें साढ़े बंदी सिंघरारे हो जाते उन्होंने एक जिड़ी भी चीज़ की जरूरत होगी इतने की पानी की कंबलों की रजाइया की जन वाले समय में जिदा गर्मी गाड़ी आ रही है कूलर की पखियां की किसी की भी जी लौड़ आ वो असी अपने अपने वसीलिया के राही एनआरई वीर के सहयोग के नाल यह अं मुहैया कराएंगे ये निरंतर जारी रहेगी। सत श्रीकाल जी, पंजाब चैनल भी तुहाडा सारयां एक बार फिर तो स्वागत। हाँ तो दोस्तों गल करते हैं संघर्ष संघर्ष पंजाब दे विच पहला भी बहुत हो रहे हैं तो हुण भी हो रहे हैं। तो यह संघर्ष जिहड़ा हुण आपां देख रहे हैं बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते संघर्ष शुरू होया। एक संघर्ष शुरू होया सी दिल्ली दे विच किसानी मोर्चा। उस किसानी मोर्चे दे विच देशां विदेशां दे विचों पंजाबियों ने अपनी सेवा हंडाई, हर तरह की सेवा की और दलेरी दे नाल उत्थे आ के किसान मोर्चे दे विच जो भी किसी नूं किसी तरह की कोई जरूरत सी उन्हां दी जरूरत पूरियां कीतियां गईआं। ते अज जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई दा मोर्चा लग्गा चंडीगढ़ मोहाली दे विच, उस मोर्चे दे विच अज उस तरह ही देशां विदेशां दे विचों जिन्ने भी पंजाबी ने तो सारे हुम हुमा के दोबारा फिर इस संघर्ष दे विच शामिल होए ने। जिवें दिल्ली का मोर्चा उन्होंने जितया उन्हां दी सोच है कि हुण असीं जिहड़ा मोर्चा इस मोर्चे दे विच वी जित पानी है ते साढ़े जिहड़े बंदी सिंघ उन्हां नूं रिहा कराणा है। ते अज इस मोर्चे दे विच बेगमपुरा इंटरनेशनल फ्रांस सोसायटी तों अपने पहलवान भुपिंदर सिंह जी ते बलविंदर सिंह प्रोफेसर जी वो भी इत्थे आए हैं। तो चलो गल करते उन्होंने। हाँ जी, स्वागत है तुहाडा जी पंजाब चैनल विच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। हाँ जी, सब तो पहला तो मैनूं तुसीं दसो जी आपां जिहड़ा मोर्चा लगा है ना, इस मोर्चे विच कंबल की शुरुआत तुसीं कीती आ, की तुहानूं लग रहा कि जिहड़ा कंबला दा तुसीं सेवा निभा रहे हो भी आने वाले टाइम ते जिहड़ा मोर्चा होर भी अगे वध सकदा है? देखो जी, ये जिहड़ा कंबलां दी सेवा है ना, असीं ते इत्थे वक् वक् जिहड़े जिहड़ियां भी चीज़ां इत्थे जरूरत है वह मुहैया करा रहे हैं। मैं 7 जनवरी तो ही इत्थे हाँ ते असी जनवरी तो वक् वक् चीज़ा जिहड़ियां इत्थे किसी भी चीज़ की फाइनैशली या होर भी किसी चीज़ की सपोर्ट कर रहे दे रहे हैं। ये साड़ी सोसायटी इंटरनेशनल बेगोपरा सोसायटी जी फ्रांस जी ना वो साढ़े मित्र प्यारे है जिन्होंने बनाई है सोसायटी, उन्होंने साड़ी सेवा लाई थी भी अं सेवा इतने पहुँचा रहे हैं। तो उन्होंने वालों मैनू सेवा फोन किया गया से असी सेवा इतने लैके पहुँचे हाँ। उन्होंने साढ़े नाल भाई अपना अवतार सिंह जी ने जिहड़े इत्थे लोकल जो भी जो फोन आता है जिते भी चीज़ की कोई जरूरत होंगी है इन्हों की सेवा जी उन्होंने फोन करके तो जाते हैं। तो अज असी ये कंबलों की रजाइया की सेवा लैके ये निरंतर इस तरह जारी रहेगी जिन्ना चिर संघर्ष चल रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चा जिन्हें साढ़े बंदी सिंघरारे हो जाते उन्होंने एक जिड़ी भी चीज़ की जरूरत होगी इतने की पानी की कंबलों की रजाइया की जन वाले समय में जिदा गर्मी गाड़ी आ रही है कूलर की पखियां की किसी की भी जी लौड़ आ वो असी अपने अपने वसीलिया के राही एनआरई वीर के सहयोग के नाल यह अं मुहैया कराएंगे ये निरंतर जारी रहेगी। तुहानूं लगता कि संघर्ष अगे होर वध सकदा जां? वेखो जी, असीं ते बड़े असीं पक्के पैरी आए हैं इत्थे जिदा किसानी मोर्चे के चाचे भरा उत्थे बैठे सीगे दिल्ली तो अरदासा करके पक्के बोर उन्हें कर दिते सी सड़कां दे विच ये इत्थे भी बोर होणगे बोर हो जाणे इत्थे बोर हो भी एक बोर हो गया जी ये लगातार जो जो संगत बदलगी बोर होणगे तंबू बदलगे इतने पक्के पक्के आए जिन्ना चिर कहीं अपने बहुत आने वाले टाइम आने वाले समय च बहुत ज़्यादा बहुत वड्डी तादाद है। तो सर्दियां सी सर्दियां दा इंतजाम तुसीं कर दित्ता ते सर्दियां अगों हुण कुछ गर्मियां भी गर्मियां उत्तों भी माड़ियां ने अं इत्थे एसी ला देंगे पक्खे ला देंगे कूलर ला देंगे पर अं अपने भरा बाहों बाह पा के खड़े हूँ अं इदा नहीं छड़ पिछे नहीं हटोगे ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। साढ़े जिहड़े बाहर वीर साढ़े भरा इन्हां रही है ना बड़ी सतगुरु की कृपा आ हज़ार ट्राले वाले जो बैठे आते बदमे से भर के भेज देंगे पर बंदी सिंह हिरा करा के खड़े जिमें गल करिए किसानी मोर्चा से उही लहर उदा ही उदा चलो किसानी मोर्चे वाले चलेगी उत्तों भी गांह भारू होगी
वह जोड़ा मोर्चा से ना वो होर तरीके का मोर्चा से किसान नहीं उत्ते साढ़े दल सारे किस्म के आए ये खास करके सिखा का मोर्चा जो पुराने टाइम से लगते रहे ना सिखा के मोर्चे चाबिया के मोर्चे लगे आ गुरु के बाग के मोर्चे लगे सिखा का जोड़ा ये डरोल जोड़े सिख है ना इतने मतलब हर किस्म के सिख इतने आने जे मोर्चे फतेह करने अपना योगदान पाएंगे बाकी अभी सारे जिन्हें भी साड़ी नुमाइंदे जथेबंद ने चाहे भावें किसान यूनियन वाले आजे होर हिंदू भरा ने मुसलमान भरा ने सारे ये बेनती करते हैं भी असी ता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ताे कंग ताे जनेऊ वास्ते वही कुरबानी दी अज साढ़े ना खड़ो अज लोड़ है सानू वह तुम अपना समा लग रहा कि हिंदू परिवार भी खड़ रहे खड़न गए उन्होंने खड़ना है साढ़े जो साढ़े गुरु तेग बहादुर साहब खड़ सकते उन्होंने नाल तो कोई नहीं खड़े वो भी साढ़े भरा ने खड़न गए खड़न गए भी खड़न गए जरूर खड़न गए भी बेचारे वेखण डे भी मतलब जो तक वह भी आवगे इतने सारे आवगे हूँ तक बंदी सिंह की रिहाई ना हो जिम्मेवार किनू ये सरकार है जिम्मेवार जी सारू घट गिणती है सेंटर दी सरकार या नहीं सेंटर सरकार है जी पंजाब सरकार के हाथ में कोई सेंटर सरकार जिम्मेवार हर जी सेंटर सरकार है वो सा मतलब घट गिणती दबाया जा रहा वो असं भी आ सारी घट गिणती जिन्हें कौम सारी इस तो मतलब अपने बिक ते सामने ही जेडे किडे किडे बलात्कारी बाबिया जे प्रॉब्लम मिल रही ने उन्होंने रिहाइया मिल रही ने सारे 14 साल तो बाद के कोई पंजाब दारा सिंह जी जिन्हें इन्ना कतलेआम सिखा जो साढ़े 84 किया उन्होंने एक चंगी नागरिक करके रिहा करता साडा एक पोलीटिकल साडा ये सारा सर्कल चलिया पच्ची 27 साल के सारे जो जिला सिंह ने उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा अभी इवें नहीं सकते प्रॉब्लम दी जा रही वो सारे जीव गांधी वाले सारे सारे रिहा कर दते हैं देखो उन्होंने जाके जी है बेटी आने जाके कहा भी मैंने कोई इतराज नहीं पर रिहा कर दो पर सिखा ना इंसाफ क्यों नहीं उन्होंने रिहाई का कारण की सी उन्होंने रिहाई क्यों मिल गई कि साढ़े जे अपने बंदी सिंह पंजाब के है ना उन्होंने क्यों नहीं मिल देखो जी ये सारा पॉलिटिक्स का हिस्सा एक मोदी चाहता है भी मैं शायद इंदिरा गांधी के राजीव गांधी कातलों रिहा करके तो मुड़ के दोबारा इस चीज़ में चौंकी सियासी उन्होंने रिहा करता आने वाले 2024 की इलेक्शन करके उन्होंने रिहा करता पर साढ़े तो वो भी नहीं किसानों तो यही समझते भी पंजाब दी 12-13 सीटा ना मिलेंगे तो सू कोई गल नहीं पर साढ़े तो भी नहीं अं तो भी तेरह दिन छोड़ 14 ली पर साढ़े बंदी सिंह रिहा करो जिले 27-30 साल हो गए जिले बैठे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह खालसा पंथ हमेशा ही आने वाली कोई भी चुनौतियाँ हर चुनौती फेस करने लिए हमेशा तैयार रहा ये सानू गुड़ती मिले गुरु नानक पातशाह तो लैकर के दसम पातशाह तक 10 जोतों के सानू ये चीज़ गुड़ती मिली है ये मोर्चा जड़ा ना ये साढ़े सुभा का हिस्सा है इंसाफ लेना इंसाफ बेइंसाफी कदों होंदी है जब बेगानगी होंदी है सरकार सानू बेगानगी के रूप के उस एनकान वेख दिया ने कि ये साढ़े अपने नहीं और वो बेइंसाफी निकली और उस बेइंसाफी के गल की अपने पहलवान भुपिंदर सिंह जर्मनी तो गल की कि मुश्किल आने वाले टाइम से जबरदस्त आ देखो मुश्किल तो जब मोर्चा लाया तो मुश्किल तो बढ़नगी इस जंग लड़नी कोई सुखैली नहीं होंगी और हर प्रकार की मुश्किल असी हर उम्र का बच्चा बीबी नौजवान बजुर्ग माता भैन हर व्यक्ति जड़ा ना उस चुनौती को फेस करने लिए तैयार है क्योंकि साढ़े सामने जो टीचा है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी होईयां बेअदबियां का इंसाफ लैना अते बंदी सिंघां दी रिहाई ते बैबल कला कोट कपूरा दे गोलीकांड का इंसाफ लैना ये साड़ियां कौमी मंगां जिहड़ियां ने ना वो सानू कौमी जज्बे दे नाल असीं संघर्ष कर रहे हैं सो जिसले कौमी जज्बे दे नाल संघर्ष करीदा ना तो जिहड़ियां ये मुश्किल ने औकड़ा ने साढ़े सामने कुछ भी नहीं है साढ़े सामने हिमालय पर्वत वर्गी चट्टान वर्गी मुश्किल भी आ जाए ना तो भी असी पर्वत दे विच्चों छेक बनाना जानते हैं ये खालसा पंथ की रवायत रही है और असी वो छेक बना करके दुश्मन तक वार करन दा भी जानते हैं सो इस करके असी आने वाली मुश्किलों के बारे कभी भी भयभीत नहीं होए बल्कि साढ़े हौसले बुलंद ने यह दिखावी तौर पर साड़ी 56 इंच की छाती नहीं हैगी ये कलगीधर पातशाह जिहड़े पुत्र ने ना इन्हां दी दिखावे तौर पर 56 इंच की छाती नहीं हैगी ये प्रैक्टिकल 56 इंच की छाती है सो इस करके ये मैसेज जिहड़ा है दिल्ली की सरकार तक ये जा रहा है कि भाई ये मोर्चे में जिन्हिया भी मुश्किल आन गई असी उन मुश्किलों दूर करके अपनी मंजिल तक पहुँचाँगे और बंदी सिंह रिहा करावे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हुई बेअदबियां का असी
इंसाफ लैके रवांगे।